So hello everyone, my name is Anil Sharma. I welcome you all to our YouTube channel. हम लोग आज solution chapter में जो Raoult's law है उसको continue करेंगे, ठीक है? Already हमने Raoult's law के दो केस देख दिए हैं. पहला volatile volatile. अगर दोनों liquid है, दूसरा अगर solid liquid है तो. एक और केस है gas liquid, लेकिन वो मैं बाद में explain करूँगा. लेकिन अगर दोनों liquid है और Raoult's law apply होता है तो पूरा केस देख लिया. लेकिन उसमें एक और पॉइंट है जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पॉइंट, ठीक है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरा वीडियो लेक्चर डेडिकेट हो रहा है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस भी हम लोग कवर करने वाले हैं. सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं. Over to screen. चलिए आइडियल सॉल्यूशन. What do you mean by ideal solution? अच्छा बेसिक डेफिनेशन क्या है पता है? बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो सॉल्यूशन Raoult's law को ओबे करेगा. सॉल्यूशन विच ओबेस Raoult's law, ठीक है? ये आइडियल सॉल्यूशन है. बाद में मैं आपको पूरी थियरी दूंगा, ये तो सिर्फ आपको शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूं. ओके, पूरी थियरी स्क्रीनशॉट लेने के लिए दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना. Raoult's law को भी करेगा. अच्छा Raoult's law क्या कहता है कि माय लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन. मेरा जो लॉ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा. यानी जो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए मेरा जो लॉ है वो एप्लीकेबल है. और आइडियल सॉल्यूशन ये कह रहा है कि दिस सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर Raoult's law. अब दोनों एक दूसरे पे थोप रहे हैं. Raoult's law बोलता है कि भाई जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए एप्लीकेबल है. ये बोलता है कि जो Raoult's law को ओबे करेगा. ये है क्या भाई? कुछ तो क्लैरिफाई करो. Raoult's law पे से आइडियल सॉल्यूशन क्या है पता नहीं चल रहा है. Raoult's law पे से आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं जो ओबे Raoult's law करता है, ये क्या है? ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं. ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं ले रहा हूं सॉल्यूट ए, प्योर सॉल्यूट ए. ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और मैं ले रहा हूं सॉल्वेंट बी. अब मैं क्या करता हूं, दोनों को मिक्स करके बना रहा हूं सॉल्यूशन. बच्चों ध्यान देना, बहुत मजेदार टॉपिक है, एकदम मस्त मसालेदार, ठीक है, टॉपिक है सॉल्यूट. अच्छा प्योर सॉल्यूट ए जब होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ ए के कंपोनेंट है, सिर्फ सॉल्यूट के कंपोनेंट है. ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 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 के कंपोनेंट है, सिर्फ ग्लूकोज के, है ना, प्योर सॉल्यूट है. उसके अंदर सिर्फ एक इंटरेक्शन होगा. कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूट ही है. ऐसे ही अगर प्योर सॉल्वेंट होता है तो वहां पर इंटरेक्शन जो होगा वो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में ही होगा. यानी सॉल्यूट जब होता है, प्योर होता है, प्योर का मतलब उसमें कोई और कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है, तो वहां पे जो इंटरेक्शन होगा वो सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा. तो यहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और यहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. अब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तब होता क्या है, तो ज्यादातर स्टूडेंट एक आंसर देते हैं, क्या सर जब सॉल्यूशन बनेगा ना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा. तो इट्स नॉट रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं है. लेकिन अब थोड़ा और मैं मिर्च मसाला डाल के आपको बताता हूं. चलो समझो, आप ये बोलते हो कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूं. यस, जब मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालूंगा तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा. लेकिन उसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट अपना इंटरेक्शन नहीं छोड़ेगा और सॉल्वेंट भी अपना इंटरेक्शन नहीं छोड़ेगा. सिर्फ एक चीज होगी, क्या पता है? जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट से इंटरेक्ट होगा या फिर ये सॉल्वेंट सॉल्यूट से इंटरेक्ट होगा, तब इनके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी लेस हो जाएगी, यानी थोड़ी वीक कर देगा. तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तब वो इंटरेक्शन ए और ए के बीच में और बी और बी के बीच में इंटरेक्शन थोड़ा कम कर देगा, घटा देगा, डिक्रीज कर देगा. अब ध्यान से समझना, यहां पे तीन इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में, ठीक है?
सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में। उसके अलावा सॉल्यूशन में एक और इंटरेक्शन हुआ, कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। अगर सारे इंटरेक्शन या सारे अट्रैक्शन सेम पाए जाए, इक्वल देखा जाए, सेम मिलते अगर सारे इंटरेक्शन, अच्छा सारे इंटरेक्शन सेम मिलने का मतलब क्या है वो भी आपको मैं समझा देता हूं। सारे इंटरेक्शन सेम मिलने का मतलब यह है कि ए जो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ए बी से जो अट्रैक्ट फोर्स क्रिएट कर रहा है, अगर उतना ही फोर्स वो अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए लगाए, उतने ही फोर्स से अपने आप को अट्रैक्ट करे, सेम वे बी भी उतने ही फोर्स से अपने आप को अट्रैक्ट करे। समझो जो मैं बोल रहा हूं, ए जिस अट्रैक्शन से बी को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर उसी अट्रैक्शन को अपने आप के दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, उसी अट्रैक्शन से, यानी जितना बी से अट्रैक्ट कर रहा है उतना ए से करेगा। सेम वे बी जितना ए के साथ अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी बी जितना अपने अट्रैक्शन, जितने फोर्स से ए को खींच रहा है, अगर उतने ही फोर्स से वापस बी को भी खींचेगा, यानी अपने आप को भी खींचता है, अपने आप को भी खींचता है, यानी सॉल्यूशन में सारे अट्रैक्शन एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं। सॉल्यूट सॉल्यूट को जिस फोर्स से खींचेगा उतने ही फोर्स से सॉल्वेंट को खींचता है। समझ में आ रहा है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट को जिस फोर्स से खींचता है उतने ही फोर्स से सॉल्यूट को खींचेगा, वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है। यानी ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन, तीनों अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन अगर सेम हो, तीनों अट्रैक्शन सेम हो, तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर सेम हो, तो वो सॉल्यूशन बनता है आइडियल सॉल्यूशन। कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ फोकस करो। क्या लिखना है वो मैं अंत में दूंगा, वो स्क्रीनशॉट लेके लिख देना, सिर्फ यहां पर फोकस करो। तो उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? बताओ बताओ बताओ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन सेम नहीं हो, इक्वल नहीं हो, यानी जितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे, अगर वो सेम नहीं हो तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं तो आपको आखिरी में हिंट भी देना चाहूंगा, लास्ट में मैं आपको हिंट भी दूंगा कि किस तरह से पता करेंगे कि आइडियल है कि नॉन आइडियल, वो लास्ट में दूंगा हिंट, पहले समझो। अच्छा, तीनों इक्वल नहीं है तो उसका दो मीनिंग होते, उसके दो मीनिंग होते, समझना ध्यान से, उसके दो मीनिंग होते। पहला मीनिंग अगर इक्वल नहीं है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ए जिस फोर्स से ए को अट्रैक्ट कर रहा है या बी जिस फोर्स से बी को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो फोर्स ए और बी के फोर्स से ज्यादा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ए और बी के बीच में फोर्स तो होगा लेकिन वो इतना इफेक्टिव फोर्स नहीं होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट को इतना जोर से नहीं खींचेगा, उतने फोर्स से नहीं खींचेगा, कम फोर्स से खींचेगा कंपैरेटिवली इटसेल्फ। यानी सॉल्यूट जितने फोर्स से सॉल्यूट को खींच रहा है उसके उससे कम फोर्स से सॉल्वेंट को खींचेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट जिस फोर्स से सॉल्वेंट को खींच रहा है उससे कम फोर्स से सॉल्यूट को खींचेगा। कंफ्यूज मत होना, मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूट और सॉल्यूट का फोर्स ज्यादा होगा, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा सॉल्वेंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा लेकिन वो फोर्स कम होगा। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट के मुकाबले। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। यानी मैंने सॉल्यूट को उठा के सॉल्वेंट में डाल दिया, जैसे ही सॉल्वेंट में डालता हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इतना ज्यादा फोर्स हो जाता है, इतना ज्यादा फोर्स हो जाता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काफी कम कर देगा, इतना कम कर देगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, तो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस होते हैं, या तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल या होगा लेकिन कम होगा, या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उसके कंपैरिजन में।
तो अगर ये वाली चीज होती है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, लेस होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को इतने फोर्स से अट्रैक्शन नहीं करेगा जितना वो खुद के पार्टिकल को कर रहा है, सेम वे सॉल्वेंट सॉल्वेंट को इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कंपैरेटिवली सॉल्यूट सॉल्वेंट का लेस होगा, यानी सॉल्वेंट जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहा है उसके कम फोर्स से सॉल्यूट को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं? अगर ये है तो इसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और अगर सॉल्यूट जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहा है वो इतना ज्यादा होता है कि सॉल्यूट सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। यानी टू टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टू टाइप ऑफ लिक्विड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, उसमें कोई केस नहीं आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट है तो वो दो केस हो गए, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, ये नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। चलिए तो मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो अब जो मैं बोल रहा हूं वो समझना, इस ग्राफ को अच्छे से समझना। मैंने आपको ये बताया है कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को काफी कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट के। अब ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होना चाहिए, ये डॉटेड लाइन ऐसे होनी चाहिए, ये आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगा, ये काफी कम होता है ना, तब सॉल्यूट का वेपर और सॉल्वेंट के वेपर काफी ज्यादा फॉर्म होने लगेंगे। क्यों? ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, ए और ए का बॉन्ड ब्रेक होके ए का वेपराइजेशन ज्यादा होता है और बी का वेपराइजेशन ज्यादा होता है। वापस समझो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, कम होने की वजह से ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है, तो ए का वेपर में कन्वर्जन और बी का वेपर में कन्वर्जन बढ़ जाएगा। अब आपके दिमाग में आता है कि सर ए ए को भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन मैंने एक और चीज बोली कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक फोर्स आएगा ना, तब उस फोर्स की वजह से इसका भी फोर्स कम हो जाएगा, इसका भी फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो फिर आपने तो ये बोला है अभी कि चलो आपने तो ये बोला है अभी कि भाई इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसका भी ज्यादा होता है बी का और इसका कम होता है। मैंने मना नहीं किया है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका जो फोर्स ऑफ, मैं ये नहीं, वापस से समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम नहीं होगा, ये तो होगा। जैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वैसे ही इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इफेक्ट होगा, ये कम तो होगा, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम डेवलप होगा, यानी ये भी डिक्रीज होगा और ये तो कम ही होने वाला है, ये तो पहले से ही कम है, ये तो पहले से ही कम है, तो ये तो डिक्रीज होने ही वाला है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से ये सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्ट करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में फिर भी वो स्ट्रांग होगा, इसके कंपैरिजन में फिर भी वो स्ट्रांग होगा, फिर भी ये स्ट्रांग ही होगा इसके कंपैरिजन में, समझना ध्यान से, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इजिली बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ये भी इजिली बॉन्ड ब्रेक करके वेपराइज बना देगा, यानी आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर काफी बढ़ जाता है आइडियल सॉल्यूशन, इसलिए ये लाइन ऊपर जाएगी, ये लाइन ऊपर जाएगी। आइडियल सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है उससे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्यों? वेपर में फास्ट कन्वर्जन होने लगता है, ए का वेपराइजेशन फास्ट और ज्यादा होगा और बी का वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, वापस, ए और ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो डाउट स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे ही बी के साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है ये थोड़ा वीक हो जाएगा। अब इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा ही होता है लेकिन वीक हो जाता है,
इसलिए ये दोनों बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाते हैं और ए का वेपराइजेशन फास्ट होने लगता है, ए का वेपराइजेशन फास्ट होने, वो फास्ट वेपराइज होने लगेगा। ठीक है, अलग ये चीज याद रखना। तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है क्योंकि उसका वेपर में कन्वेजन फास्ट हो रहा है, और ए का वेपर भी बढ़ रहा है क्योंकि उसका वेपर में कन्वेजन फास्ट हो रहा है। यानी आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये भी बढ़ जाएगा। ये पूरा ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। वापस समझाता हूं, ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए बी का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ए का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। दिस टाइप ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसलिए ये ग्राफ जो होता है वो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ होता है, ठीक है, पॉजिटिव सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ओके, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, यानी पॉजिटिव डेविएशन में टोटल प्रेशर के कंपेरिजन में प्रेशर बढ़ जाएगा। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बहुत ही आसान है, दिमाग में अच्छे से उतार देना, ठीक है। यस, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। तो इस सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में कुछ इस तरह से आपका ग्राफ होगा। वापस सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, तो आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाने की वजह से हमें ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से मिलेगी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर से मिलती है। समझ में आया ग्राफ? तो ये पूरा जो ग्राफ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ यानी आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उसका कर्व ऊपर की ओर जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन के लाइन के ऊपर की ओर जाता है। अगर आपको एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक लाइन के ऊपर कर्व दिया है तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, लाइन के ऊपर कर्व दिया है तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है, लाइन के ऊपर, याद रखना, क्लियर एकदम। चलिए, नो डाउट। तो ये हो गया पूरा पॉजिटिव, लेकिन ये तो पहला केस है, ये तो भैया पहला केस है, ये तो आपका पहला केस है, ठीक है, चलिए समझो। अब दूसरा केस समझते हैं। पहले केस में हमने क्या देखा, चलिए पहले केस में हमने ये देखा कि जैसे ही ए को बी में डाला तो ए का फोर्स तो थोड़ा कम हुआ, ठीक है, और बी के साथ अट्रैक्ट होने लगा, लेकिन उतना अट्रैक्ट नहीं होता जितना ये स्ट्रॉन्ग होता है। अब दूसरा केस, ए को बी में डाल दिया, समझना ध्यान से, केस नंबर टू, ए को मैंने बी में डाल दिया, बी में जैसे ही डालते हैं वैसे ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ऑटोमेटिकली इसका फोर्स कम हो जाएगा। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि ये इजीली ब्रेक नहीं होगा बॉन्ड, और बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता लिक्विड में, तो वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वेपर बनाने ही नहीं देगा, कम बनाने देगा। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लाइन से नीचे आएगा, ये बी का वेपर प्रेशर, ये ए का वेपर प्रेशर, और टोटल वेपर प्रेशर भी नीचे आएगा। समझ में आया, टोटल वेपर प्रेशर भी नीचे आएगा। ऐसे ग्राफ को नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ नीचे आएगा, ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसको वेपर बनाने ही नहीं देगा, वेपर बनता ही नहीं है, याद रखना ये, क्लियर। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल सॉल्यूशन से ग्राफ ऊपर होता है, नेगेटिव डेविएशन में आइडियल सॉल्यूशन से ग्राफ नीचे होता है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम जाते हैं थियोरेटिकल पार्ट पे, आपको जैसे मैंने बताया क्या लिखना है। तो ये दोनों के बीच में पहले डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन व्हिच ऑब्वियस रॉल्स लॉ एग्जैक्ट ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पूरे कंसंट्रेशन में राउल्स लॉ ऑबे करेगा उसे आइडियल सॉल्यूशंस, और अगर राउल्स पूरे सॉल्यूशंस में पूरे एंटायर कंसंट्रेशन में राउल्स लॉ ऑबे नहीं करता तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस में प्रेशर की फॉर्मूला ये होती है पी इज इक्वल पी जीरो एक्स है, लेकिन इसमें प्रेशर वो इक्वल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो लाइन जो है वो या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, यानी सेम प्रेशर तो नहीं होगा, वो प्रेशर चेंज होते रहेगा, पहले नीचे होगा तो पहले कम होता जाएगा फिर बढ़ता जाएगा, ऊपर होगा तो पहले बढ़ता जाएगा, एकदम हाई होगा फिर कम होगा, इसका मतलब प्रेशर इक्वल नहीं होगा। सच सॉल्यूशंस
are composed of component with almost identical intermolecular, जैसे मैंने बताया सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिकल होते हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिकल। यहां पे आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, डिसिमिलर होगा। समझ में आया? अच्छा, नॉन आइडियल, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन एंथैल्पी जीरो। अच्छा, चेंज इन एंथैल्पी का मतलब यह हुआ कि अगर आप चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटल माइनस एंथैल्पी थियोरिटिकल फाइंड करोगे, तो दोनों एंथैल्पी, एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी और थियोरिटिकल एंथैल्पी सेम आती है, इसलिए ओवरऑल एंथैल्पी जीरो हो जाती है आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ओवरऑल एंथैल्पी जीरो नहीं होती, यानी ओवरऑल एंथैल्पी या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक उसके बेस पे। सेम वे वॉल्यूम का मिक्सचर जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो। तो डेल्टा वी, वही चीज, वी ऑफ एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंटली अगर आप वी फाइंड करेंगे और थियोरिटिकल वी फाइंड करेंगे तो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। यानी सपोज के 50 ml सॉल्यूट ले रहा हो और 50 ml सॉल्वेंट ले रहा हो, मिक्स कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 100 ml थियोरिटिकली। जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया तो वो भी, तब भी वो 100 ml ही मिला। यानी दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, थियोरिटिकल टोटल वॉल्यूम, एक्सपेरिमेंटल टोटल वॉल्यूम सेम, डेल्टा भी जीरो। लेकिन यहां पे सेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? और उसके एग्जाम्पल ये है, उसके एग्जाम्पल ये है, ओके, ये उसके एग्जाम्पल है। अच्छा दोस्तों, एक चीज, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको हिंट देने वाला हूं। अच्छा, हिंट क्या है, याद रखना, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, अगर आप एग्जाम्पल स्क्रीन पे देख सकते हो तो आइडियल सॉल्यूशन में एग्जाम्पल देखो, ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें लंडन फोर्स होता है, डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी एन एक्सन में भी डिस्पर्शन फोर्स, इसमें भी डिस्पर्शन फोर्स, वो तो मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड में डिस्पर्शन फोर्स का सेम होता है, ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड में, इसकी वजह से वो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। नॉन आइडियल में आप देखो, वाटर इथेनॉल, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HOH, और इथेनॉल में भी होता है, लेकिन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वेराइट, वाटर में मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इथेनॉल में कम होता है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वेरिएशन दिखेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो बढ़ेगा या कम होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है तो वहां पे वेरिएशन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो ऑलवेज नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन इतनी चीज याद रखना, यानी ज्यादातर डिस्पर्शन फोर्स वाले एग्जांपल जो होते हैं ना वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ज्यादातर, मैं नहीं बोल रहा हूं सारे, ज्यादातर आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें लंडन फोर्स है, आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया ये चीज? नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये ग्राफ वाला पॉइंट याद रखना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। तो यहां पे मैं आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, वो किस तरह से होता है वो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसका थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है वो, और राउल्ट्स लॉ इन गैसियस स्टेट वो, ये दोनों चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहां पे हम लोग वीडियो लेक्चर खत्म कर रहे हैं, पूरा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेस पे ये वीडियो लेक्चर था, ठीक है? तो बने रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिएगा मेरे साथ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस टाइम।